कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त शीला जैन सपरिवार, अरुण, अनिल, सुनील, नितिन सपरिवार, कर्मपुरा, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री विजय कुमार, शकुंतला पाटनी, श्री जितेंद्र अर्चना पाटनी, श्री नितिन रीमा पाटनी, श्री नवीन उज्ज्वला पाटनी, विजय टायर वाले औरंगाबाद। सौभाग्य भक्त श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री रमेश चंद्र संयुक्ता जैन शाह, श्री राजीव बीना जैन शाह, खुशबू प्रेषिका, दीप शाह मांडवी, गुजरात। संत परिचय। बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज, पूर्व नाम नवनीत। जन्म दिवस 6 नवंबर 1981, जन्म स्थान दमोह मध्य प्रदेश। पिता श्री मुकलेश जी, माता श्रीमती रेखा जी। गृह त्याग मात्र 16 साल की उम्र में, अक्षय तृतीया 1998। मुनि दीक्षा 16 अप्रैल 2000। मुनि दीक्षा स्थल श्री सम्मेद शिखर जी भवन, महावीर टोंक। मुनि दीक्षा गुरु उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज। उपाध्याय पदारोहण 26 जनवरी 2007, आचार्य पदारोहण स्थल औरंगाबाद महाराष्ट्र। आचार्य पदारोहण 6 नवंबर 2014, आचार्य पदारोहण स्थल दिल्ली। विशेष कार्य, आपके सानिध्य में जनकपुरी दिल्ली में विश्व इतिहास में पहली बार श्री भक्तामर स्तोत्र के 2688 अक्षर के प्रतीक रूप में 2688 मांडलों का विधान हुआ था, जिसमें हजारों भक्तों ने भाग लिया था। महानुभावों, वर्तमान के समय में इंसान कुछ ना कुछ जोड़ने में, कुछ ना कुछ तोड़ने में, कुछ ना कुछ फोड़ने में लगा हुआ है। आजकल के समय में कोई ना कोई व्यक्ति कोई जोड़ कर रहा है, कोई तोड़ कर रहा है और कोई फोड़ कर रहा है। आपको पता होगा, इंसान वर्तमान में पहले जोड़ता है, उसके बाद में तोड़ता है और उसके बाद में फोड़ता है। पहले इंसान भागा दौड़ी करता है, व्यापार में, काम में, सर्विस में, पढ़ाई में, क्या करता है, एकदम भागा दौड़ी में लगा है, भागा दौड़ी में लगा रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, खाने का ज्ञान नहीं, पीने का ज्ञान नहीं, भागा दौड़ी में लगा हुआ। पूरा जीवन इंसान भागा दौड़ी में लगा रहता है, उसके बाद में जब समय आता है कुछ करने का तो शरीर साथ नहीं देता है। तो आज चर्चा चल रही है कि हमें यहाँ पर तोड़ने का नहीं, जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तोड़ने में तो पूरा संसार माहिर है, लेकिन जोड़ने में बहुत कम लोग माहिर होते हैं। आप विचार करें, यदि कांच का एक ग्लास टूट जाए तो उसको जोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन कांच का ग्लास जब बना होगा तो उसको बनने में कितना समय लगा और टूटने में एक संबंध भी नहीं लगा, एक सेकंड भी नहीं लगा। इंसान की जब शादी विवाह होते हैं, इंसान जब और कोई व्यापार करता है, सर्विस करता है, तो 25 साल के बाद में अपने जीवन में वो सर्विस पर जा पाता है। 25-27 साल के बाद इंसान की शादी हुआ करती है, अर्थात रिश्ते को जोड़ने के लिए 25 साल लग जाते हैं और तोड़ने को 25 सेकंड भी नहीं लगते। तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जोड़ना बहुत कठिन है। चाहे वह लकड़ी हो, चाहे वह कांच हो, चाहे वह मकान हो, चाहे वह दुकान हो, चाहे वह किसी का
दिल हो, यह एक बार टूट जाते हैं तो इनका जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। आज हम लोग यह नहीं सोचते कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह किसी को तोड़ने वाला बनेगा कि वह किसी को जोड़ने वाला बनेगा। आप विचार करें कि आपके घर में दरवाजा टूट जाए तो आपके पास क्या व्यवस्था है? यदि आपके घर में दरवाजा टूट जाए तो आप कारपेंटर को बुला लेते हैं, आपके घर में नल फट जाए तो आप प्लंबर को बुला लेते हैं, यदि रास्ते में जो बड़े बड़े पुल होते हैं वह टूट जाए फूट जाए तो इंजीनियर आ जाया करता है, और यदि ऑफिस में दुकान में कोई टूट फूट हो जाए तो उसका मैकेनिक भी आ जाता है, रसोई घर में गैस चूल्हा समाप्त हो जाए तो उसके लिए भी दूसरी व्यवस्था है। लेकिन आज इन सब चीजों के लिए करने वाले तो लोग आपको मिल रहे हैं, लेकिन वर्तमान में आज न प्लम्बर की जरूरत है, न रसोई गैस को सही करने वाले की जरूरत है, न दुकान मकान को सही करने वाले की जरूरत है। यह सब काम तो इंसान स्वयं कर लेता है, लेकिन आज वर्तमान में है तो दो टूटे हुए दिल को, दो टूटे हुए लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। आज ऐसे इंजीनियर की जरूरत है, आज ऐसे प्लम्बर की जरूरत है, आज ऐसे मैकेनिक की जरूरत है कि जो दो लोगों की दो दूरियां बढ़ी हैं उनको समीप कर दे। आपने रस्सी देखी होगी, रस्सी एकदम लंबी होती है, लेकिन जब रस्सी गलती से टूट जाती है उसको जोड़ा जाता है तो क्या होता है? एक गांठ बीच में लग जाती है। कपड़ा फट जाता है उसको सुई धागे से टांक लगा देते हैं तो क्या होता है? उसमें एक प्रकार से फटी वस्तु समझ में आती है कि यह फट गया था। कपड़े से बात याद आई कि आज वर्तमान में तो फटे कपड़े पहनने का ही रिवाज हो गया है। मैंने पहले भी बताया था कि आज से 20-25 साल पहले कपड़ा फटता था, घर वाले उसको फेंक देते थे और बर्तन वाले को देके बर्तन आदि ले लिया करते थे, लेकिन आज दुकानदार बताते हैं कि महाराज जी फटे कपड़े की डिमांड ज्यादा है और महंगा बिकता है। क्यों? क्योंकि यह आपके कर्म को फाड़ने वाला है। ध्यान रखना, यदि शास्त्रों में वर्णन आया हुआ है कि एक कपड़े में हल्का सा भी छेद हो जाए तो उस कपड़े को त्याग कर देना चाहिए, ना तो उससे कभी आहार देना चाहिए, ना पूजन करना चाहिए, ना उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह क्या होता है, ये आपके पुण्य में छेद कर देगा, ये आपको दरिद्रता का सूचक देता है। आप विचार करिए ना, ये तो फैशन चल रहा है, फैशन में तो ऐसा हो रहा है कि यदि एक आंख में लाल चश्मा और एक आंख में नीला चश्मा लगा के आदमी कोई हीरो आ जाए तो अगले दिन सारा दिल्ली में लाल नीले चश्मे लग जाएंगे सारे। अरे पहले ये तो देखिए वह क्या काम कर रहा है और हमें क्या काम करना चाहिए। आप विचार करें कि हम कम से कम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी संस्कृति है उसको तो हम लोग पालन करते चलें। तो मैं आपको बता रहा था कि जोड़ने में बड़ा काम कठिन होता है। आप विचार करिए कि यहां पर सबको, समाज वालों को जोड़कर एक साथ लाना बड़ा कठिन काम है, तोड़ने में तो एक ही मिनट लगता है। एक बार जोड़ से बोल लो सारी की सारी श्रृंखला टूट जाएगी। ईंट की दीवार बनती है, आपको पता है कि पहले नींव खुदती है, एक एक ईंट लगती है, छपाई होती है, उसके बाद में जाकर छत तक पहुंचती है। लेकिन बुलडोजर चलने से जिस मकान को, जिस दुकान को बनने में आपको सालों साल लग गए, लेकिन बुलडोजर आकर क्या करता है कि 2 घंटे में सारा का सारा काम फिनिश कर देता है। अर्थात जोड़ने में सालों लग जाते हैं लेकिन तोड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल सकता। चाहे वह रिश्ता हो, चाहे वह वस्तु हो, चाहे वह मकान हो, चाहे वह दुकान हो। तो हमें प्रयास करना है कि हम हमेशा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, हम हमेशा लोगों को टूटे हुए दिल को जोड़ने का प्रयास करें। आप कुछ मत करिए, आप बस कोई व्यक्ति यदि थोड़ा दूसरे हिसाब से चल रहा है उसको आप सीधे चलने की बात करिए, वह टूट रहा है उसको जोड़ने का प्रयास करें। ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि डाली से जो फूल टूट जाता है उसके बाद उसको यह नहीं पता होता कि मैं अर्थी पर चढ़ूंगा, कि मैं बेदी पर चढ़ूंगा, कि मैं रस्से चलते लोगों के ऊपर फेंका जाऊंगा।
डाली में जब तक फूल डाली से जुड़ा हुआ है तब तक उसका अस्तित्व है, और जिस समय फूल डाली से टूट गया उसके बाद उसको खुद को नहीं पता कि मैं अर्थी पर जाऊंगा, कि मैं बेदी पर जाऊंगा, कि मैं रस्ते चलते लोगों के पैरों के नीचे कुचला जाऊंगा। इसी तरह से जो व्यक्ति परिवार से जुड़ा है, जो व्यक्ति समाज से जुड़ा है उसका अस्तित्व है, और जो व्यक्ति परिवार और समाज से टूट कर चलता है उसका कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता। जोड़ना बड़ा कठिन काम नहीं बल्कि नामुमकिन काम है। आप पुल को जोड़ सकते हो, आप दीवार को जोड़ सकते हो, आप मकान को जोड़ सकते हो, आप कांच के ग्लास को भी जोड़ सकते हो, लेकिन किसी के दिल को तोड़कर जोड़ना बड़ा मुश्किल कार है। आप विचार करिए कि दिल, अर्थात दिल कोई टूटता नहीं है, क्योंकि दिल टूट गया तो आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा, लेकिन दिल टूटना क्या कहते हैं? आप आते ना कहते हैं महाराज जी आज तो मेरा दिल भराया। अच्छी बात से भी दिल भरता है, बुरी बात से भी दिल भरता है। आज मेरा दिल टूट गया। कैसे टूट गया? तो कहते हैं कि मैं मंदिर में दर्शन करने आया और उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोल दिया। विचार करिए कि हम उस व्यक्ति को प्रेम पूर्वक बोल सकते थे। हो सकता है कि कोई व्यक्ति गलती से पूजा भी से तरह से कर रहा है, कोई गलत तरीके से आहार दे रहा है, कोई गलत तरीके से पड़गा रहा है, कोई गलत तरीके से पार्क में घूम रहा है, आप उसको जोड़ने के लिए समझा सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा चला करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। हाँ, ये बात अलग है कि जो व्यक्ति रोज ही कर रहा है उसकी आदत में हो चुका है। यदि कोई व्यक्ति पहली बार आकर मुनि महाराज जी से ये पूछ ले कि महाराज जी आप आहार में क्या लोगे, तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति रोज यदि आहार देता है और पूछे कि महाराज जी आप क्या लोगे, तो वह गलत काम ही कर रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति को यही पता नहीं है, आपको बताऊं कई बार जब हम लोग अभी चतुर्मास के बाद शिमला पंचलंग के लिए जा रहे थे, तो एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी से पूछा कि महाराज जी वहां पर ठंड लगेगी तो आप लोग चादर कंबल तो ओढ़ोगे? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हम लोग साधु लोग चटाई इस्तेमाल करते हैं, चादर कंबल नहीं ओढ़ते। तो एक व्यक्ति जो मेरे पास बैठा था उसने कहा महाराज जी आपको नाराजगी नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं है। और बोले यही प्रश्न मैं पूछता तो मैंने कहा नाराजगी क्या थी? मैं कहता तू चल यहां से। बोले क्यों? मैंने कहा तू पिछले 10 सालों से संपर्क में रह रहा है, 25 सालों से साधु के संपर्क में रह रहा है और तुझे अभी तक यही पता नहीं है? जो व्यक्ति पहली बार दर्शन करने आ रहा है वह पूछ रहा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ठंड होती है वहां पर, ठंड के समय में कैसे साधु रहेंगे, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। तो मैं बता रहा था कि जोड़ने का प्रयास करें, तोड़ने का प्रयास मत करें। जो व्यक्ति जोड़ता है वह कहां पहुंचता है? आपने मकान बनाने वाले को देखा होगा कि जो एक 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 ईंट जोड़ता है सबसे अच्छा, मंदिर का अपने शिखर बन रहा है, सबसे पहले शिखर जब बनता है तो शिखर के ऊपर कौन पहुंचता है? जब शिखर बनना चालू होता है मंदिर का, तो सबसे पहले शिखर पर कौन पहुंचता है? जो उसका कारीगर होता है, जो बनाने वाला होता है, सबसे पहले वह पहुंचता है। हम और आप सब तो बाद में पहुंचते हैं, अर्थात कि जो जोड़ता है वह ऊपर पहुंच जाता है और जो तोड़ता है वह पैरों के नीचे पहुंच जाता है। एक बार एक टेलर की दुकान पर, टेलर समझते हैं आप लोग, सिलाई करना, क्या कहते हैं उसको, दर्जी, टेलर, दर्जी, जो भी कहा जाता है, कि टेलर की दुकान पर, दर्जी की दुकान पर छुट्टी के दिन उसका बेटा भी साथ में पहुंच गया। टेलर बहुत फेमस था, सारे शादी ब्याह के कोट पैंट शर्ट कमीज जो भी बनाता सब कुछ अच्छे तरीके से सिलता था और नामी टेलर था। तो अब जब वह नामी टेलर था तो बच्चा उसके साथ में गया और वह देख रहा था कि लोग कपड़े लेकर आते, उसका पिताजी उस कपड़े को काटता, टाक लगाता, सब कुछ करता और कैंची से सारे कपड़े को काटता और सुई से उसको सिलता। ये क्रम वो 2-3 दिन से लगातार देख रहा था। उसने एक दिन अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप जब कपड़े को कैंची से काटते हो उसके बाद आप कैंची को पैर से दबा देते हो और सुई से जब कपड़े को सिलते हो और उसको अपने टोपी में फंसा लेते हो, इसका क्या कारण है? उसने प्रश्न किया कि कैंची से जब कपड़े को काटते हो, कैंची को पैर से दबाते हो और सुई से जब कपड़े को सिलते हो उसको सिर पर लगा लेते हो, इसका क्या कारण है? तो पिताजी ने मुस्कुराकर कहा कि बेटे वैसे तो कोई कारण नहीं है लेकिन बहुत बड़ा कारण भी है।
वैसे तो कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, लेकिन कारण है, ध्यान रखिएगा, कि उन्होंने कहा कि जो काटती है, जो तोड़ती है वह पैरों में दबाई जाती है, और जो जोड़ती है उसको लोग सिर पे रखते हैं। अर्थात सुई को सिर पे क्यों लगाया, टोपी पे, क्योंकि यह लोगों को, मतलब कपड़े को जोड़ने का प्रयास कर रही है। जो व्यक्ति लोगों को जोड़ता है उसको लोग सिर पे उठाते हैं, और जो लोग व्यक्ति लोगों को तोड़ता है उसको लोग पैरों तले रौंदते हैं। तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जोड़ने का प्रयास करो। आप एक बात ध्यान रखना, दोनों तरह के लोग इंसान को याद करते हैं, जोड़ने वाले को भी याद करते हैं और तोड़ने वाले को भी याद करते हैं। आप यहां मंदिर में बैठे हो, आप आकर बैठे, आप दूर बैठे थे, आपको मंदिर की व्यवस्थापकों ने पास में बैठाकर सामग्री दे दी कि पूजा करो, उसके बाद में आपका 2 महीने मंदिर आना नहीं हुआ, कोरोना समझ लीजिए आप, जैसे बीमारी चल रही थी, मार्च में मेरा विधान चल रहा था, उस समय आप आए, व्यवस्थापकों ने आपको पूजन विधान करने की व्यवस्था दी, और उसके बाद 3 महीने कार्य हुआ ही नहीं, मंदिर बंद। और उसके एक दिन पहले जब आप मंदिर में आए थे और आप कहीं खाली जगह पर बैठ गए, तो एक व्यक्ति ने बोला, अरे कहां चलते हो, कभी भी आके बैठ जाते हो, विधान में बैठना है तो टाइम से आना चाहिए। तो बचे हुए 3 महीने में जब जब भी मंदिर की बात याद आएगी, जब जब भी मंदिर की याद आएगी, जब जब भी मंदिर की याद आएगी, तो दोनों व्यक्ति याद आएंगे, अरे एक वो आदमी था जो खाली जगह में मुझे भगा दिया, और एक वह आदमी था जो मैं दूर बैठा था तो मुझे पास बैठा लिया। तो ध्यान रखना, दोनों व्यक्ति को याद किया जाता है, जोड़ने वाले को भी और तोड़ने वाले को भी। लेकिन हमें लोग हमेशा एक बात ध्यान रखना, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि लोग हमें याद तो करें, लेकिन हमारे अच्छाई के लिए याद करें, हमारी बुराई के लिए हमें कोई भी व्यक्ति याद ना करे। अच्छाई के लिए याद कर रहा है तो समझ लेना कि आपने जीवन में, एक कहावत है ना कि गंगा नहा ली, ऐसे कहते हैं ना कि कोई यदि अच्छा काम करे तो गंगा नहा लिया, तो आपने समझना जीवन में गंगा में स्नान कर लिया, सम्मे शिखर जी के पर्वत की साक्षात वंदना कर ली, कि लोग आपको हमेशा अच्छाई के लिए याद करें, और लोग यदि आपको बुराई के लिए याद करते हैं तो समझ के चलना कि सम्मे शिखर जी का सार जो मिलना था वह समाप्त हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त शीला जैन सपरिवार, अरुण, अनिल, सुनील, नितिन सपरिवार, कर्मपुरा, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री विजय कुमार, शकुंतला पाटनी, श्री जितेंद्र अर्चना पाटनी, श्री नितिन रीमा पाटनी, श्री नवीन उज्ज्वला पाटनी, विजय टायर वाले औरंगाबाद। सौभाग्य भक्त श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री रमेश चंद्र संयुक्ता जैन शाह, श्री राजीव बीना जैन शाह, खुशबू प्रेषिका, दीप शाह मांडवी, गुजरात।